रेस्टोरेंट द्वारा दरभंगा में शीघ्र एम्स निर्माण को लेकर हजारों युवाओं का जत्था सरकार को जगाने हेतु आक्रमकता जोश के साथ पोलो मैदान से लोहिया चौक डीएमसीएच के रास्ते कर्पूरी चौक पहुंची। एमएसयू नहीं कर सके दरभंगा एम्स का शिलान्यास। विदित होगी एमएसयू द्वारा दरभंगा एम्स को लेकर चलाए गए अभियान में घोषणा किया था, 6 साल से प्रतीक्षा कर रहे मिथिलावासी अब खुद 5,000 लोगों के साथ शिलान्यास करेगी। निर्णय अनुसार भीड़ की शक्ल को कम करके आज का आंदोलन को सफल किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम को स्थगित किया गया और जत्था के साथ डीएम से मिला। कर्पूरी चौक पर एक सभा का आयोजन किया गया, जहां सभा को संबोधित करते हुए गोपाल चौधरी ने कहा कि सत्ता व प्रशासन की दमनकारी नीति के कारण आंदोलन के प्रारूप को सांकेतिक किया गया। प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लगाकर आंदोलन को कमजोर किया गया, लेकिन हम लोग पुनः गांव गांव जाकर जनता को जागरूक करके एक बड़े आंदोलन की तैयारी करके मिथिला विरोधी सत्ता व प्रशासन को सबक सिखाने का काम करेंगे। तो आपको मालूम होगा कि डीएम कार्यालय से परमिशन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अगर हम शिलान्यास करेंगे तो एफआईआर होगा, आप लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। हम लोगों ने ये कहा कि आपने हमें यहाँ पे अनुमति नहीं दिया शिलान्यास करने की, लेकिन हम लोग अब मिथिला के गाँव गाँव में जाएंगे और गाँव गाँव में शिलान्यास कराएंगे। कहाँ तक आप हमें रोकेंगे? आपने यहाँ रोका है, हम रुक गए क्योंकि हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हिंसा हो, हम नहीं चाहते हैं कि टकराहट हो। आपको मालूम है कि क्या लेकर सब आए हैं। अगर टकराहट होगा तो हो सकता है कि 4 लाठी हमें लगे तो पुलिस को भी 2-4 इंटर लग सकता है और हम पे देशद्रोही का चार्ज बढ़ दिया जाएगा। वो हम लोग इतने बेवकूफ भी नहीं है। हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम गाँव गाँव में जाएंगे और शिलान्यास कार्यक्रम करेंगे और सरकार को खड़ा जवाब देंगे, गाँव गाँव की जनता शिलान्यास। आपने जो शिलान्यास के लिए पहले आवेदन दिया था डीएम को? बिल्कुल दिया था, तभी तो रिजेक्ट किया गया है। तो फिर उसके बाद आज रैली क्यों निकाले उसमें? हम लोगों ने फिर डीएम से वार्ता किया, उन्होंने हमें अनुमति दिया कि आप रैली निकाल सकते हैं। हम 5,000 की संख्या में आने वाले थे, लेकिन डीएम साहब ने कहा कि 500 से अधिक संख्या आपकी नहीं होनी चाहिए और शांतिपूर्वक आप यहाँ पे आ सकते हैं और हमको ज्ञापन दे सकते हैं। प्रशासन ने हमें इसकी अनुमति दी। तो आज सांकेतिक शिलान्यास नहीं हुआ? सांकेतिक शिलान्यास सब गाँव में हो गया शिलान्यास। ये पूरा मैसेज पहुँच गया है कि अब गाँव गाँव में शिलान्यास होने वाला हो गया है। लेकिन दरभंगा में भी दिया गया है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम लोग उग्रवादी है, हम लोगों से डर है। सरकार को ये लग रहा है कि अगर आज हम शिलान्यास कर देंगे तो कोई और दूसरा संगठन भी यहाँ पे शिलान्यास कर सकता है। मतलब मिथिला के लोग अब जग चुके हैं, इससे सरकार को समस्या है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कम्प्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।